हेलो गाइस, आज जो है हम क्लास थ्री स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास थ्री में जो हम लोग का लास्ट क्लास में हुआ था, आर्क तक हो गए थे, तो आज जो है हम बाकी के कमांड खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं टॉप व्यू में जा रहा हूँ। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है अल्टर वन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया फिलेट। ठीक है, फिलेट के लिए आपको कोई एंटिटी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे मैंने 54 और 40 का मैंने वो ले लिया। ठीक है, उसके बाद मुझे इसको एंटिटी उस फिलेट करना है। इसको फिलेट करने के लिए हम जाएंगे सिंपली यहाँ पे फिलेट। अब पर्टिकुलर दो एंटिटी सिलेक्ट करो, कितने का फिलेट डालना है यहाँ पे आप डाल सकते हो, लाइक इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी फिलेट सेन। सेन में क्या होता है, आपकी ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे सेन सिलेक्ट होता है। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक सेन सिलेक्ट होंगे, कितने का रेडियस है आपको डालना है। फिर उसके बाद जो है देखो, जो ऑलरेडी आपने 10 रेडियस दिया है, अभी आप 5 रेडियस चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज कर देगा वो। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं फिलेट में। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी चैम्फर। ठीक है, चैम्फर में भी उस तरीके से काम होता है, आपको दो लाइन सिलेक्ट करना पड़ता है और दोनों के बीच में कितना लाइन के चैम्फर चाहते हो आप यहाँ पे डालना होगा। एक होता है आपके डिस्टेंस डिस्टेंस, है ना, एक होता है आपके स्टाइल वेयर, और इसके नीचे आओगे तो डिस्टेंस डिस्टेंस दोनों दो बहुत साइड का डिस्टेंस मिलेगा। एक का फास हो गया, मान लो एक का 10 mm है और एक का 5 mm है। ये 10 mm है, जो पहला सिलेक्ट करूंगा वो 10 mm का, मैंने ये लाइन सिलेक्ट किया था पहले, और दूसरा सिलेक्ट करूंगा तो 5 mm का होगा। नेक्स्ट आता है आपकी एंगल के साथ। ठीक है, 10 mm मैंने 45 डिग्री एंगल पे गया, लेफ्ट मान लो आपको एंगल चेंज करना है तो आपको एंगल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जो छोटा आता है विड, कितने का विड देना है, 10 mm विड है वो साइड लाइन की, जो विड है हम 10 mm है, तो ऐसे आप वो डाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑप्शन आता है आपको चैम्फर में भी चेन, तो चेन में ऑटोमेटिक चेन सिलेक्ट होगा, वो कैसे लेना है आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली। जीरो लाइन जो है, जीरो लाइन है क्योंकि हमने इसको चैम्फर करूंगा, यहाँ पे रेडियस है तो इस रेडियस से काटेंगे तो इस तरह हो जाएगा, आपको चैम्फर फिल कराना पड़ेगा, 20 ले लो या 30 ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से चैम्फर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो आते हैं मेरा स्प्लाइन। ठीक है, स्प्लाइन जो है मैनुअल स्प्लाइन, हम ज्यादातर मैनुअल स्प्लाइन यूज करते हैं, तो आपको मैनुअली लेके स्प्लाइन बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम जो है बाकी सब स्प्लाइन भी जो होते हैं इतना जरूरत नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं मैनुअली बता रहा हूँ। बाकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे कर्व। कर्व क्या होता है, जैसे आप कोई 3D ऑब्जेक्ट में काम करते हो, जैसे कोई फाइल है उसको आपने कन्वर्ट किया IGS फाइल में, मास्टर कैम में, या फिर CNX या सॉलिडवर्क्स में आपने इसमें बनाया है, फिर इसने आपको इसको कन्वर्ट किया मास्टर कैम में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हमको मशीनिंग करने के लिए कर्व एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उस सरफेस मान लो कोई कर्वियल स्ट्रक्चर है, कोई टेपियल है, कोई इसमें इरेगुलर सी शेप है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, कभी कभी कोई एक अलग से कर्व आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में हम इसमें देखेंगे, मेरे सरफेस जो है IGS में क्या होता है, एक सरफेस जनरेट होता है ना, उस सरफेस को हम हर सरफेस को हम चेंज करते हैं। तो अब इस केस में हम देखेंगे जो मेरा सरफेस है उस पर मैं चेंज कैसे करूंगा, तो मुझे उसमें कर्व लगाना है। कभी कभी हम जो प्रोजेक्ट करते हैं ना, कमांड आते हैं प्रोजेक्ट कर्व, इसमें ओनली कर्व में काम होता है, पॉइंट पे काम होता है और प्रीवियस कमांड में काम होता है। तो मुझे कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है वहां पे मुझे ना लाइन लेना पड़ता है, कार्व लेना पड़ता है, तो उन केस में हम सरफेस के ऊपर कार्व कैसे लेते हैं वो सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं एक लाइन बना रहा हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है एक लाइन बना दिया है, तो दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक आर्क बना देता हूँ। ठीक है, 3-point आर्क, मैंने यहाँ पे आर्क बनाया, दो एक आर्क एक लाइन हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ मैं इसको ना एक हाइट पे ले जा रहा हूँ, हाइट इन द सेंस इसको मैं एक्सपॉर्म में बताऊंगा, अभी नेक्स्ट कमांड यही आने वाला है। एक्सपॉर्म में जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, अब इसको मैं ले जाऊंगा जेड में, जेड ऊपर में। ठीक है, तो इसको मैं ले जा रहा हूँ 200 mm हाइट में। ठीक है, और इसको आप मूव कर दो, तो आप देखो 200 mm हाइट में एक सरफेस जनरेट होगा। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। उसके बाद मेरा यहाँ पे एक कमांड आता है सरफेस पे। ठीक है, सरफेस हम इसमें करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो मोड हम लोग का तो ये जो सॉफ्टवेयर है मास्टर कैम, बेसिकली एक कैम सॉफ्टवेयर है, तो हम जो मॉडलिंग वगैरह मेरा तरीके से रहेगा, जो मॉडलिंग करेंगे हम किसी और सॉफ्टवेयर में करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं 3 सर कमांड बताऊंगा आपको जो यूज में होंगे। ठीक है, तो बाकी जो हम मॉडल बनाएंगे सॉलिडवर्क्स हो गए, NX हो गई, ठीक है, उसमें बना के हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो जब से पहले आप कमांड जो आते हैं रूल, तो मैं रूल से बता देता हूँ। तो पहले हम लोग कंट्रोल लाइन सिलेक्ट किया, फिर मैंने दूसरा लाइन सिलेक्ट किया, ध्यान रखना ये है इसके डायरेक्शन सेम होना चाहिए बोल सही, तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो एक क्या सरफेस जनरेट होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको सरफेस मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपको
यही करना होता था। अब यहाँ पे एक मैंने कार्ब लिया नीचे में, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे भी 3.1 वो ले लिया मैंने, ठीक है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो दो कार्ब यहाँ पे भी हो गई। फिर इसको भी मैं एक्सपोम करूंगा नेक्स्ट। ये पहला वाला कार्ब जो है मेरा काम आएंगे बाद में, ठीक है, तो मैं इसको 300 में ले जा रहा हूँ जेड में, ठीक है, ऊपर होना चाहिए ये ध्यान रखना है, ठीक है, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो दो कार्ब बन गई, इसको भी मैं क्रिएट सरफेस, ठीक है, रोल, ठीक, सरफेस सेलेक्ट किया, लाइन सेलेक्ट किया, सेम डायरेक्शन होना जरूरी है। फिर एक सरफेस मेरा यहाँ पे जनरेट हो गया, डन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है सरफेस जो मुझे मिल गया है। अब जाएंगे हम इसमें, फिर हम जाएंगे कार्ब में, कार्ब ऑन द एज। तो इसमें क्या होगा, सरफेस सिलेक्ट करोगे, जिस साइड आप सिलेक्ट करोगे उस साइड में आपको कार्ब मिल जाएंगे। मैंने इस साइड के नजदीक सिलेक्ट किया, क्लिक किया, देखो ये मेरा कार्ब बन के आ गया। इसके एजेस में एक आपको कार्ब मिलेंगे, फिर ओके कर दो, ठीक है। दूसरे जो आता है क्रिएट कार्ब, कार्ब ऑन ऑल एजेस, आपको सिलेक्ट करोगे सारे एजेस में, एंटर करोगे सारे एज में आपको कार्ब मिल जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, इस पर्टिकुलर सरफेस में हम, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हमको ऑपरेशन करना होता है, तो इन केस में हम इस कमांड को यूज करेंगे, ठीक है। आगे वाला जैसे मेरे पास ऑब्जेक्ट बहुत है, मैं बताऊंगा इसके ऊपर भी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कर्व ऑन, देखो ऑन कॉन्स्टेंट पैरामीटर कर्व। कॉन्स्टेंट पैरामीटर क्या, हम पहले कर्व सिलेक्ट करेंगे, फिर इसमें हम जहां पे लोकेशन चाहिए उस लोकेशन में हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे कर्व आएंगे। अगर मैं चाहता हूँ मेरा कर्व हॉरिजॉन्टल लिया हो, तो हॉरिजॉन्टल की हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होते हैं हम लोग की कर्व, फ्लो लाइन कर्व। फ्लो लाइन कर्व जो कर्व की जो टेंजेंसी है, जहाँ पे कर्व फ्लो हो रहा है, जिस तरीके से उसकी टेंजेंसी सरफेस है, उस हिसाब से वो आता है। सिलेक्ट करा, देखो कितने कर्व आ गए। अब इसकी अभी हाइट आपको बढ़ाना है, हाइट कम करना है। सपोज मैंने यहाँ पे मैंने 5 mm कर दिया, देखो 5 mm डिस्टेंस में वो कर्व आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको जैसे आपको जरूरत होगा उस हिसाब से आएंगे, जैसे ये सर्फेस मोड़ेंगे उस तरीके से ये कर्व भी मोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप हाइट भी ले सकते हो, डिस्टेंस भी ले सकते हो, नंबर भी ले सकते हो। 10 नंबर लेना तो 10 कर्व में डिवाइड कर देगा आप। नेक्स्ट जो आता है आपकी कर्व डायनेमिक कर्व। डायनेमिक कर्व में हम क्या करेंगे, सरफेस सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट में सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उस पॉइंट में से और यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट करो, फिर आपको एंटर कर दो, दोनों में से एक कर्व ऑटोमेटिकली बन के आ जाएंगे, लेकिन ये आपस में जुड़ के आएंगे, ठीक है। तो दो पॉइंट में एक कर्व बन के आता है डायनेमिक कर्व में, क्रिएट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड जो आता है हम लोग की कर्व स्लाइस। कर्व स्लाइस में क्या होता है, बेसिकली इसमें हमको कर्व या सरफेस सिलेक्ट करना है। सरफेस सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, और एक मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक सरफेस सिलेक्ट करना है, और उसके बाद भी मैंने दोनों को सरफेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको हटा दीजिए, दोनों को हटाना होगा, आपको एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जब एंटर करोगे इसके अंदर एक अलग से सरफेस बन गया, लेकिन ये फ्लैट रहेगा, सरफेस में नहीं आएंगे वो, ठीक है। इसमें वही सीन का प्रॉब्लम आता है, तो इसको ज्यादा कम यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पार्ट लाइन कार्ड। पार्ट लाइन के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो हम लोग करते हैं उसकी पार्टिंग लाइन निकल के आती है। जैसे यहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं। जैसे हम किसी डाई या मोल्ड की कटिंग करते हैं ना, तो इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करते हैं, तो इसकी सारे पार्टिंग लाइन निकल के आती है, ठीक है। तो इसमें होगा नहीं, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसमें हम करेंगे पार्टिंग लाइन निकालने के लिए, ठीक है। कार्बेट इंटरसेक्शन। कार्बेट इंटरसेक्शन में क्या होता है, आपको पहले सरफेस सिलेक्ट करो, एंटर करो, फिर दूसरा सरफेस करो, एंटर करो। तो यहाँ पे जो जिस जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन कार्ब बन के आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें काम करते हैं, ठीक है, सरफेस में। तो अच्छा, मुझे सरफेस का सारा आपको आ गया है, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ उसको मशीनिंग पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है हम लोग की कर्व होगी सरफेस। सरफेस मैं स्किप करूंगा यहाँ पे, क्योंकि सरफेस का हम ज्यादातर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सरफेस में होती ही है।
कभी कभी मान लो कभी कभी कुछ ऐसा होता है, अब जैसे कोई अपने बॉडी बनाए एनएक्स में या सोलिडक्स में बनाए, उसको अपने आईजीएस में कन्वर्ट किया और यहाँ पे ओपनिंग करते हो, तो बीच बीच में क्या होता है कोई गद्दा से रह जाती है, कहीं भी फिल नहीं हो पाती है, तो वो सरफेस जो होता है खाली हो जाता है ऊपर से। ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस होता है जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड यूज करते हैं, तो वहां पे आप ये लॉफ कमन वगैरह यूज कर सकते हो, सरफेस में ये लॉफ कमन यूज कर सकते हो। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, दोनों को एस को सिलेक्ट करके उसको कर दोगे तो यहाँ पे लॉफ कमन आ जाएंगे, तो उसके ऊपर आप सर्फेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिवॉल्व कमांड जो है किसी पर्टिकुलर एरिया को लिए घुमाना होता है, ऑफसेट में आता है, डिस्टेंस में आपको सरफेस को हम कॉपी करते हैं। स्विफ्ट के लिए आपको दो एंटिटी होना चाहिए, पहला एंटिटी जैसे रहेंगे फिर उसको गाइड के अलग हम उसको कर देंगे। नेट के लिए क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया के अंदर सरफेस जा जाएंगे, तो आप चाहते हो तो इसका वीडियो बनाओ तो मैं बना लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम आपका ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में हम रीजनेशन में ऑटोमेटिक फैलिडेट करते हैं या आपके काम करने हैं। डायमेंशन में हम लोग डायमेंशन करते हैं किस पॉइंट से इस पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट तक कितना डायमेंशन है, तो हम यहाँ पे डायमेंशन करते हैं लाइक इस तरीके से। अब ये जो डायमेंशन है आपकी एक्स वाई प्लेन में होगा, एक्स और वाई प्लेन में होगा। ठीक है, आपको किसी करने के लिए आपको ये कोऑर्डिनेट प्लेन घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वर्टिकल लेना है तो वर्टिकल ले सकते हो, लाइक मैं अभी टॉप में आ जाता हूँ तभी आप सही तरीके से देख पाओगे। टॉप में आ गया, जैसे मुझे इसका वर्टिकल देखना है, ठीक है, इसका वर्टिकल डायमेंशन आएंगे लाइक इस तरीके से। ठीक है, डायमेंशन के लिए जैसे बेस पॉइंट है, सेन है, पैरेलल है, पैरेलल लिखना है तो आप इसको पैरेलल लिख सकते हो लाइक कैसे होगा पैरेलल, क्योंकि आपकी पैरेलल डायमेंशनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। ठीक है, लेदर वगैरह मल्टी एडिटिंग, मल्टी अगर एक्सेस आपको एडिट करना है, मल्टी एडिटिंग विटनेस लाइन बनाना है, विटनेस लाइन बना सकते हो। लेदर के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाके यहाँ पे आप उसको लिखना है, आप लिख सकते हो या जो भी लिखना है आपको यहाँ पे टेक्स्ट करके, हमने इसको पॉइंट कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको जो भी लिखना है आप नोट लेके आप लिख सकते हो, तो आपको यहाँ पे लेटर में जाके इसको लिख दो। ठीक है, नोट में आप जाके क्या नोट लिखना है इसमें, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी लिखना है आपको यहाँ पे करो, तो इस एरिया में उस चीज को ले आओ, तो यहाँ पे नोट लाइक आप लिख सकते हो। ठीक है, हैचिंग पॉइंट में क्या होता है, जैसे कोई मेरा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है, लाइक मेरा ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाना है, तो क्रॉस सेक्शन मतलब बोले तो जैसे मेरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं बीच में काटूंगा कहाँ कहाँ इसकी सॉलिड मेटेरियल है, तो इसको हम दिखाने के लिए हेचिंग वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो हेचिंग के लिए हम जाके इसको पर्टिकुलर एरिया को आयरन क्या आयरन लेना है, स्टील लेना है, ब्रश लेना है, तो ये उसकी स्ट्रक्चर होता है, एल्यूमिनियम लेना है। ठीक है, और कितना स्पेसिंग देना है, गैप देना है, तो उसके बाद आपको इसको सेंचर लेकर के अंदर दबाना है, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर देंगे ये एल्यूमिनियम पे है, तो एल्यूमिनियम को ऐसे आप दिखाते हो, तो पता होना चाहिए आप किसको कैसे दिखा रहे हो। ठीक है, एक्चुअली ये क्या होता है, ड्राफ्टिंग फाइल में यूज होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग की कोई जैसे बीएमसी बीएमसी करते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट पे, ट्राई करेंगे हम कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट में करें, बेसिक में ना करें। ठीक है, तो उस केस में आपका ये सब जो यूज होते हैं, तो डिटेलिंग करने में कभी कभी यूज होता है। ठीक है, ठीक है, स्मार्ट डायमेंशनिंग से हम हर तरीके से डायमेंशनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बोले तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको आपको सीधा लेना है, स्ट्रेट लेना है, स्ट्रेट भी ले सकते हो, तेरा लेना है, पहले लेना है, या मतलब हर तरीके से डायमेंशनिंग इसमें आप कर सकते हो, सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं इसको आप स्मार्ट डायमेंशन, बहुत बढ़िया डायमेंशन है, ज्यादातर मैं यूज कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे आप स्मार्ट डायमेंशनिंग कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में जाके आप इसके ऑप्शन निकालोगे कुछ, अगर आपको बांध दो आपको रेडियस में डायमीटर में डालना है, इसको डायमीटर में दिखाना, डायमीटर दिखा सकते हो, इसकी स्पेसिंग सेंस करना है, टेक्स्ट की साइज से टेक्स्ट जो है इसकी स्पेसिंग सेंस करना है, टॉलरेंस वगैरह सेंस करना है, टेक्स्ट जो भी आपको चाहे होते हो यहाँ पे सब ऑटोमेटिक यहाँ पे सेंस हो जाएगा, लेजर हो गए, डायमेंशन सेटिंग हो गए, जो भी सेंस करना है ऑटोमेटिक आप सेंस कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेंस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा कमांड आता है, ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा कमांड आता है, नेक्स्ट जो मेरा कमांड है, अब वो कमांड हम देखते हैं यहाँ पे जो है रेक्टेंगल, ऑलरेडी मैंने रेक्टेंगल बताना बता रहेगा आपको, तो इसको मैं टॉप कर लेता हूँ क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट जो है टॉप सरफेस में बनता है, तो मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्रिएट रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल सेंटर रेक्टेंगल करें तो यहाँ पे सेंटर ले सकते हो आप, मैंने ऑलरेडी क्लास में बता सकता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप में अगर बनाना है इस शेप में चाहिए, इस शेप में चाहिए, कॉर्नर से बनाना है कॉर्नर ले लोगे, सेंटर से बनाना सेंटर लोगे, राउंड बनाना है आपको सिलेक्ट करना है, एरिया देना है, ऑटोमेटिकली बन के आएगी आप, आपको वैल्यू डाल दो। ठीक है, सेंटर सिलेक्ट करना है तो सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो, बेस पॉइंट से टू पॉइंट लेना है तो इसके टू पॉइंट सिलेक्ट कर दो, पहला पॉइंट नहीं है सेकंड पॉइंट है, ऑटोमेटिक पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है मेरा पॉलीगन, कितना साइड चाहिए, फिर उसके बाद आप पॉलीगन दे दो।
फ्लैट सही है, कॉर्नर सही है, आप ले सकते हो उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग के आती है इलिप्स, इलिप्स में पहला आउटर डायमीटर फिर इनर डायमीटर, तो आपके इलिप्स बन जाएगी। नेक्स्ट जो आते हैं आपके स्पाइरल, स्पाइरल में आपको जो है थ्री डी में इसको आइसोमेट्रिक में दिखाना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है, अब इसकी जो मैंने रिवोल्यूशन जो है, हाइट जो है कुछ नहीं लिया, मैंने इसको हाइट ले लेता हूँ 100 का, ठीक है। इसकी जो पिच रिवोल्यूशन होगा मैं इसको पास कर देता हूँ, ठीक है। और जो इसकी फाइनल पिच होगा, देखो आप देख पा रहे हो पिच है, इसमें अगर टेपल लगाना है, रेडियस लगाना है, आप लगा सकते हो, रेडियस 20 का है, 50 करना है 50 कर दो, ठीक है। इनिशियल 2 है, ठीक है, इसमें अगर टेपर डालना है टेपर भी डाल दो, रेडियस फाइनल पिच जो भी सही है पास कर देता हूँ मैं, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। लाइक इस तरीके से हम स्पाइरल बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आता है हेलिक्स, जितना डालना है आप पॉइंट सिलेक्ट करो, उसके बाद आपको जैसा करना है आप कर सकते हो, यहाँ पे भी सेम उस तरीके से होता है, ठीक है। इसको एक ऐड करोगे तो फिर नया से ले पाओगे। तो दूसरी चीज जो होता है, ठीक है, प्रीमेटिव में ऑटोमेटिक बन के आता है, जैसे आपको यहाँ पे किसी के बेस पॉइंट सिलेक्ट करो, फिर कितने का हाइट देना है, ऑटोमेटिक आपकी बन के आ जाती है, ठीक है। तो क्रिएट में जाएंगे, प्रीमेटिव में जाएंगे, कोन पहले पहले आपको बनाना पड़ेगा, कोन के लिए हम सिलेक्ट बेस पॉइंट आउटर हाइट कोन बन जाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉक टैग आपको रेक्टेंगल लेना है, फिर हाइट देना है, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम प्रीमेटिव में, इसके लिए हम जितना डायमीटर रेडियस देना है आप लेटो, ठीक है। उसके बाद जो है थोरस, फिर इनर हाइट, दोनों बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आती है मेरा लेटर लिखने के लिए, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लेटर लिखने के लिए यहाँ पे आपको क्या लेटर लिखना है, ए बी सी जो भी लिखना है, फिर ओके करना है, फिर पार्टिकुलर एरिया में से लिख कर, तो यहाँ पे ए बी सी लिख के आ जाएंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक आता है बाउंड्री बॉक्स, तो इसके ऊपर सिलेक्ट करके एक बाउंड्री बॉक्स लाना है, एक्स वाई हाइट देना है आपको, फिर ओके करना है, तो इसके ऊपर एक बाउंड्री बॉक्स बन के आ गई, ठीक है। इसकी अभी लेंथ नहीं है, ये अभी इसलिए बाउंड्री बन के आएगा, अदरवाइज इसके जैसे मैं सॉलिड में बना दूँ, तो इसको अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसमें आप देख लो उसमें आ जाएंगे आपके, यहाँ पे एक जो है सर्कुलर वो बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा बॉक्स है, अगर इसके ऊपर बाउंड्री बॉक्स बनाऊंगा मैं, लेटर में सिलेक्ट हो गए, एंटीरियर सिलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया, तो इसके ऊपर एक बाउंड्री बॉक्स बन के आ जाएगा। सेंटर से लेना है, ओरिजिन से लेना है, आपकी मर्जी, कितना साइज बनाना है, ठीक है। ये हम लोग कभी कभी बॉक्स लेने में काम आता है, कितना साइज वगैरह निकालने में हमको काम आता है, कितने मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अब कितने का आप ब्लॉक लोगे, है ना, इसको कितने का ब्लॉक लेना है कटिंग वगैरह के लिए, फैंसी के लिए, तो उस टाइम में ये काम आता है, कितने का ब्लॉक लोगे, आप यहाँ से निकाल सकते हो, और इसमें ऑफसेट भी लेना है तो ऑफसेट भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोल्ट सर्कल, बोल्ट सर्कल में जहाँ पे हम इसकी बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, मेरा जैसे ये बेस पॉइंट हो गई, नीचे से सिलेक्ट करते हैं, मेरा बेस पॉइंट हो गई, अब कितने डायमीटर में बोल्ट लगाना है, कितना बोल्ट लगाना है, ये भी हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ मैं, कैसे बोल्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, इसमें आप साइज डालो, एंगल डालो, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। रेडियस भी इसमें आपको मिलेंगे, रेडियस भी डाल देना है, और इसमें जो सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है, उस पॉइंट के कितना रेडियस में बीच में कितना सर्कल चाहिए, ऑटोमेटिक आप डाल सकते हो, बार बार आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। पहले मैं बना चुका था, यहाँ पे रोटेट कमांड से भी बना सकते थे आप, ठीक है। एक जो मेरा लास्ट वीडियो है उसमें जो एक्सरसाइज बनाया था उसमें था, तो उसमें जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक यहाँ से भी मिल जाती है, ठीक है। टर्न प्रोफाइल के लिए हम इसके टर्न प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट टर्न प्रोफाइल का है, तो सॉलिड बॉडी को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है आपको, फिर इसका जो है ऑटोमेटिक जो है टर्न प्रोफाइल बन जाएंगे, ये है ना। अभी एक्चुअली है किसमें, अब ये लाई कर रहा है आपकी जेड में, है ना, इसको तो मुझे लाई करना था एक्स वाई में, तो ये आपका जो एक्स वाई के हिसाब से ये इसको बना देता है, ठीक है। अगर इसको मैं अगर हॉरिजॉन्टली लाई करूंगा, तो मेरा जो इसके फ्लैट सरफेस है वहां पे इसके परपेंडिकुलर टर्निंग प्रोफाइल मिल जाता है। सपोज आपने एक जॉब बनाया लेट मशीन के लिए, तो वो जॉब जो है यहाँ पे आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, वो सॉलिड में है, अपने इसको आईजीएस में नहीं लिया, उसमें आपने स्टेप में लिया या जो भी है एक्सेल में ले लिया, तो उसने आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया, आपको अलग से उसके ऊपर ऊपर लाइन बनाने का जरूरत नहीं, आप इसमें डालो फिर इसको कन्वर्ट कर दो, ऑटोमेटिकली ऊपर ऊपर का लाइन मिल जाएगा। जैसे हम लेट के ऑपरेशन करेंगे, तो मैं इसमें लेट के ऑपरेशन में डाल लूंगा इसीलिए,
ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिक जैसे मेरा वर्टिकली लिख रहा है, अगर मुझे इसे हॉरिजॉन्टली लिख रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, मैं बहुत यूज करता हूँ इस कमांड को। मैं यहाँ पे एक्सपो में जाके मूव टू ओरिजिन कर देता हूँ, सेंटर पे आ गई है। ठीक है, एक कमांड आता है डायनेमिक एक्सपो, मैं अभी इसको बताने वाला हूँ बस। ठीक है, थोड़ा हैंग हो जाएगा इसमें कमांड में यूज करने में, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड में है। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अभी जो एक मैं आइटम बना रहता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरा ये है, मैं मैनुअली बना रहा हूँ, कोई डायमेंशन ले नहीं रहा हूँ, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी एक आपकी टर्निंग प्रोफाइल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड कर दिया। एक खाता है ट्रिम कमांड यहाँ पे काटने के लिए, ट्रिम, तो मैं ये वाला ट्रिम ले रहा हूँ। ठीक है, ओके कर दिया। अब उसके बाद एक कमांड आता है जिसका नाम है सॉलिड में रिवॉल्व। ठीक है, रिवॉल्व में आपको पूरी बाउंड्री सेलेक्ट करना है, फिर आपको एंटर करना है, फिर उसके बाद एक्टिव सब रोटेशन सेलेक्ट करना है, एंटर करके आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। अब मैं इसमें ये कर रहा हूँ, जो मेरा सरफेस था उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, जो हो जाएगी डिलीट ओनली नॉन एसोसिएटिव एंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रहने दो, मैं अभी एक ही कमांड है मैं उसके ऊपर बना के दिखाता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस केस में तो मैं क्रिएट में जाऊँगा, टर्न प्रोफाइल सेलेक्ट करूँगा पूरा बॉडी को, ठीक है, एंटी करूँगा, फिर ओके करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अभी इसको अगर मैं डिलीट भी कर दूंगा, देखो डिलीट हो गई, पर यहाँ पे दो दो लाइन है डिलीट हो रहा है, देखो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे भी दो लाइन है, यहाँ पे, ठीक है, वो लाइन सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दो दो लाइन मिल जाएंगे आपको, ऑटोमेटिक एक लाइन बन के आ जाएगी, जैसे टर्न प्रोफाइल है उस हिसाब से एक लाइन बन के आ जाएंगी। ठीक है, डिलीट हो गया, लाइक अभी देखो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, बाकी में दो दो लाइन है। तो ऐसे आप लाइन को डिलीट कर सकते हो, मतलब एक प्रोफाइल बन के आ जाएगी, आपको बार बार इसमें लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बनाया, अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर में बना के लाता तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर में जैसा प्रोफाइल है उस तरीके से प्रोफाइल के आपके ऊपर एक लाइन बन जाएगी। तो आप उसके ऊपर आप लेट चला सकते हो, जो भी कमांड वगैरह है उसके ऊपर आप चला सकते हो। तो ये कमांड होती है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद आता है सिलोटेड बाउंड्री। इस ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका जो काम है, तो मैं एक बार पूरा बॉडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर एंटर कर दूंगा। अभी इस बॉडी को हम ऊपर से देखेंगे तो जैसा देखेंगे उस तरीके से बॉडी आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पूरा एक बॉडी बन के आएगा, लाइन एक बन के आए। अगर आप सॉलिड को डिलीट भी कर दोगे, देखो यहाँ पे जैसा बॉडी देख पाओगे ना आप, तो लाइक उस तरीके से आपको एक बॉडी पूरा मिल जाएंगे। ये होता है सिलोटेड बाउंड्री, ये बहुत ज़्यादा होता है बिलिंग में, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, प्रोजेक्ट करने के लिए हम इस तरह तरह कमांड यूज करते हैं। ठीक है, एलिप ग्रुप ग्रुप वगैरह करने के लिए होता है, स्टार्स की साइज में बनाने के लिए दौर में होता है, और ग्रुप में ऑटोमेटिक आपकी बन के आती है, जितना सही आपको ग्रुप सही है, ओडी कितना सही है, स्टैंडर्ड के हिसाब से DIN 3061 से हमें आते हैं। तो हम इसको बनाएंगे, जब ग्रुप की कमांड करेंगे तब इसको मैं बताऊंगा, अभी के लिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से मिलता है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मैं कर दे रहा हूँ रिमूव। अब दूसरी, अभी जो मेरा सीज है ऑलमोस्ट ये हो चुका है, और ये जो क्लास का कमांड है हम जो ट्रेनिंग प्रोफाइल करेंगे इसके ऊपर बनाऊंगा मैं। नेक्स्ट आता है सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड में कुछ कुछ कमांड जो ज़्यादातर यूज होता है वो हम बताएंगे इसमें। ठीक है, तो मैं इसको जो है आइसोमेट्रिक कर लेता हूँ, क्रिएट, रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, अब इसमें जाके सॉलिड में जाके अगर एक्सट्रूड करोगे एंटर करके, जितना हाइट देना है अब उतना हाइट दे दो यहाँ पे, फिर डन कर दो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना, छोटा वाला या सर्कल जैसे वो भी बनाना है आपको। ठीक है, फिर मुझे जाना है सॉलिड में, सॉलिड एक्सट्रूड, फिर इसको सिलेक्ट कर लो, एंटर कर लो। अब इसको मैं तो हाइट दे दिया, मुझे काट करना है तो हम काट बॉडी कर देंगे, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली काट हो जाएगा। यहाँ पे आपको हाइट देना है, जो भी देना आप दे सकते हो जितना काट करना। ठीक है, अब दूसरी चीज आता है मेरा रिवॉल्व। मैंने ऑलरेडी आपको रिवॉल्व कैसे करते हैं मैंने वीडियो में बना चुका हूँ, वही जो बता दिया मैंने, जो आर्टिकल लेके मैंने रिवॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आता है मेरा स्वीप। स्वीप में क्या होता है, एक्चुअल में पाइप वगैरह प्रोफाइल वगैरह बनाने में काम आता है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ पे एक मैं स्प्लाइन बना दे रहा हूँ। ठीक, अब इस स्प्लाइन को मैं रोटेट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, एक्सपांड लूंगा, एंटर करूँगा। अब सेंटर सेलेक्ट करके जहाँ पे आपको रोटेट करना है,
है, कितना डिग्री का रोटेट करना है। ठीक है, तो इसमें जो ये कमांड है स्वीप, इसमें थोड़ा सा वो हो रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले सर्कल बनाना है। ठीक है, सर्कल बनाना है, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है हमको एक आर्क बनाना है। तो हम आर्क को जो है डायनेमिक एक्सपोम यूज करेंगे, तो इस कमांड से हम इसको रोटेट करेंगे, परपेंडिकुलर होगा इसके, तो इसके थ्रू हम इसके बाद इसको स्वीप कर देंगे। स्वीप में क्या करना है, पहले सर्कल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, फिर उसके बाद आर्क को सिलेक्ट करना है, लग इस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, लॉफ्ट, लॉफ्ट कमांड में क्या होता है एक्चुअल में, जैसे मेरा ये सर्कल है, ठीक है, तो लास्ट कमांड में थोड़ा मेरा डायनेमिक एक्सपोम में वो हो जा रहा था, हैंग हो जा रहा था, तो मैं इसमें यहाँ पे ऐसे आपको बता दिया कैसे करना है। तो इसमें टॉप ले लेता हूँ मैं, तो टॉप लेने के बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, और एक सर्कल है, एक मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है, एक्सपो। तो आपको जाके यहाँ पे ट्रांसलेट से हम लोग मूव करेंगे, ठीक है ना, सिलेक्ट कैंसिल करेंगे, तो हम इसको जेड में देंगे, जेड जो है ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर जो है हम लोग 200 में ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो जाएगी, कर देते हैं, ठीक है, मूव कर दिया, तो ओके कर देता हूँ। फिर उसके बाद जाऊंगा सॉलिड में, लॉक्ड सिलेक्ट करेंगे, एंटर, फिर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पहले से दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको ऐड करके एड सेंड करना पड़ेगा। और इसमें देखना यह है दोनों के डायरेक्शन कैस किस डायरेक्शन में है, आपको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है डायरेक्शन जो उल्टा है, ठीक है, तो इसमें हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा, डायरेक्शन इन द सेंस, अब इसको देखो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, अब इसको भी आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से, तो इसके डायरेक्शन आप चेक कर लो, अब डायरेक्शन सेम है इसलिए आ गया, तो आपको डायरेक्शन देखना होता है लॉक में, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कमांड करते हैं, ठीक है, चैम्फर भी फिलअप करना है तो फिलअप कर सकते हो, सेल करना है तो हम बीच में से कोई फेस को जैसे सेल करना है, ठीक है, जिस फेस को सेल करना है सिलेक्ट करो, फिर कितने का सेल करना है, 2 mm का सब कुछ करना है, तो 2 mm का आपको सेल कर सकते हो। तो फेस यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको मैं देख लेता हूँ क्या, सिलेक्ट कंट्रोल वाई, सेल सेटिंग 2 mm, इसको हमने कितना लिया था, मैं 1 mm का कर देता हूँ, फेस सेल फेल फेल दिखा रहा है यहाँ पे कुछ जो आ रहा है। तो यहाँ पे जो है मैंने फेस को ओपन नहीं लिया, तो इसमें ऑलरेडी सेल हो गया है, जैसे सेल कमांड करोगे सिलेक्ट करोगे तो आप देख पा रहे हो 2 mm के, 1 mm के सेल हो गए। तो यहाँ पे जो फेस को हटाना होता है वो फेस को आपको पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी होगा। ऑलरेडी मेरा ये बॉडी सेल है, तो उस बॉडी के सेल करोगे तो अंदर अंदर बन जाएंगे वो चीज़ें, ठीक है, तो आपको फर्स्ट फेज जो बॉडी है उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक। तो लास्ट जो कमांड है सॉलिड में, थिकन डिकन करने का इतना काम नहीं आता है, तो मैं जो है डायरेक्ट आपकी मॉडलिंग स्टार्ट करूंगा अभी, ठीक है, तो आज के लिए इतना करूंगा मॉडलिंग के तक। तो अभी के लिए जो है मैं ले रहा हूँ, एक्सपोम में जाओ, ट्रांसलेट मैंने आपको बता सका हूँ, ट्रांसलेट 3D बता था, ट्रांसलेट 3D के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो इसको मैं सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। अब जाके मैं एक्सपो में जाऊंगा, ट्रांसलेट 3D, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, तो किस चॉइस में इसको मूव करना है, मैं टॉप में है और डेस्टिनेशन जो है मेरा बैक हो जाएगा, तो लाइक इस तरीके से बैक में रोटेट हो जाएगी, ये होता है ट्रांसलेट 3D ऑब्जेक्ट, मूव भी कर दिया मैंने, आप इसको आप मूव भी कर सकते हो, ठीक है। मिरर, मिरर के लिए आप देखो, ऑलरेडी मैंने मिरर कमांड लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा लाइन है, अब मैं चाहता हूँ इस सर्किल को इस लाइन के बाद मिरर दो, ठीक है, तो यहाँ पे जाओ मिरर में, यहाँ पे आप एंटर सिलेक्ट करो, एंटर करना है आपको, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लाना है, एक्सिस में मिरर करना है, एंगल पे मिरर करना है, लाइन में मिरर करना है, लाइन में करना है तो लाइन सेलेक्ट कर लेना, फिर ऑटोमेटिकली वो मिरर होता है, कॉपी करना है, मूव करोगे तो उससे चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब ज्वाइन करना है, यहाँ पे ज्वाइन भी हो जाती है, लेकिन ये ओपन एंटिटी होना चाहिए, देखो लाइन में ज्वाइन हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट होता है मिरर का, ठीक है। आते हैं रोटेट, रोटेट करने के लिए देखो ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस पॉइंट के बाद रोटेट करूंगा, रोटेट में सिलेक्ट किया मैंने एंटिटी, फिर एंटर, फिर यहाँ पे आपको सेंटर सिलेक्ट करना, सेंटर में ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब किस कितना डिग्री में इसको रोटेट करना है, कितना ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, चाहिए 5 चाहिए, है ना, और 5 मतलब आपको इतना डिग्री में रोटेट करना है, बीच में कितना डिग्री एंगल होना चाहिए, 360 / 5 करूंगा मैं, 72 डिग्री में 5 रोटेट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर।
तो उसके बाद जो आते हैं आपकी स्केल, स्केल में क्या होता है, एंटर सेलेक्ट करो, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इसमें हम सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किया, कितने का बना करना है, दुगना करना है, दुगना हो जाएगा, कॉपी मंजन जैसे करना है आपको, कर सकते हो स्केल में, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक एक्सपॉर्म, डायनेमिक एक्सपॉर्म में क्या होता है, हम किसी चीज को मूव कॉपी करते हैं, हम लोग को जैसे पोजिशनिंग करते हैं, ज़्यादातर ये थोड़ा हैवी फाइल में हैंग हो जाती है, तो उस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट के हम सी वाइज के अकॉर्डिंग इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं नया से एक सर्कल बना लिया हूँ, अब इसमें मैं डायनेमिक एक्सपॉर्म यूज करता हूँ, ठीक है। तो फिर डायनेमिक एक्सपॉर्म में सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, फिर जैसे एंटर करते हो इसकी पॉइंट मिल जाती है, फिर आपको इसको लोकेट करना है, फिर जिसके एक्सिस आपको इसको रोटेट करना है, इस एक्सिस में आप रोटेट कर सकते हो, फिर इससे आप सिलेक्ट करके मान लो यहाँ पे है, फिर सिलेक्ट करके आप रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक इस तरीके से हम डायनेमिक एक्सपॉर्म काम करते हैं, जैसे रोटेट करना है आप उस तरीके से 90 डिग्री डालो, 90 डिग्री रोटेट करना, 90 डिग्री डालो, फिर ओके कर दो यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। कभी कभी जैसे आपके पास कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है सरफेस में है, जिसमें आप अगर डायनेमिक एक्सपॉर्म यूज करना चाहते हो तो इसमें क्या होता है, हैंग हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो सॉलिडवर्क्स होगी, एनएक्स होगी, उसमें आपको पोजिशनिंग करना है, 0-0 करके डाल के यहाँ पे डालना होता है, वो आपको मैं जैसे हम मिलिंग पे कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करते हैं, ठीक है। मूव टू ओरिजिन में क्या होता है, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है कहीं पे भी है, ठीक है, इसको मुझे ओरिजिन पे लाना होगा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले मूव टू ओरिजिन करेंगे, सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये ओरिजिन पे मूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है ऑफसेट कमांड, ऑफसेट कमांड के लिए आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, किस डायरेक्शन में ऑफसेट करना है, फिर आप डायरेक्शन सिलेक्ट करोगे, फिर आप यहाँ वैल्यू डाल के उसको ऑफसेट कर सकते हो, 2-3-4 जितना सही है आप डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑफसेट एंटिटीज, ऑफसेट कंटूर, ऑफसेट कंटूर में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कोई सिंगल एंटिटी है, जैसे मेरा ये रेक्टेंगल है, तो अगर यहाँ पे मैं सिंपली अगर ऑफसेट करता तो यहाँ पे मेरा लाइन सिलेक्ट हो रहा है, बट ऑफसेट कंटूर में आपकी सारी चीजें एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी, लाइक इस तरीके से, तो सारे को आप एक साथ ऑफसेट कर सकते हो, सेम होता है बाकी, तो मैं वीडियो लंबा हो जा रहा है मैं स्किप कर रहा हूँ इसको, तो इसलिए ठीक है। तो उसके बाद आता है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में आपके होता ऐसा है, जैसे मेरा ये एंटिटी है, इसको मैं सॉलिड में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसको मैं सॉलिड बना दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको हाइट दे दे, अब लाइक इस तरीके से मैं इसको हाइट दे दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ एंटिटी बनाने जा रहा हूँ, मैं जो है मेरा यहाँ पे है, इसको मैं लाइने में सॉरी मैं इसका वो करूँगा, ट्रांसलेट करूँगा, ठीक है, तो इसको मैं जेड में ले जा रहा हूँ, मूव कर दे रहा हूँ, एक हाइट में है, 101 कहीं पे है मुझे नहीं पता, ठीक है। अब ये हवा में है, अब मैं चाहता हूँ ये जो है मेरा इस प्लेन में लाई करे, तो उस केस में हम जो है प्रोजेक्ट कार करते हैं, एंटिटी को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, देखो यहाँ पे नीचे आपकी प्रोजेक्ट हो जाएगी, अगर आपको किसी डिस्टेंस में करना है यहाँ पे डिस्टेंस में भी कर सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस में भी करना है तो डिस्टेंस में भी कर सकते हो, जो जैसा भी करना है आपको वैसे हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको किसी प्लेन में करना है तो आप प्लेन सिलेक्ट करके प्लेन में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद आते हैं रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, जिस डायरेक्शन में आपको एरे करना है, डायरेक्शन दो, डिस्टेंस दो, ठीक है, ये उस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे 3-3-4-5 जितना सही है, इसको सपोज आप दे दो 100 का, 100 के डिस्टेंस पे बन के जाएंगे दोनों, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से डायरेक्शन टू कम करते हो तो एक डायरेक्शन होगा, इसको अगर मैं 100 कर देता हूँ और डायरेक्शन टू ऑन कर दूंगा तो डायरेक्शन हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन करना है तो रिवर्स कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट फॉर्म की खेल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रेस में, ठीक है, स्ट्रेस में होता ऐसा है, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है ना, कम होता है ये सब यूज नहीं होता है, नहीं हद तक ये, तो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर एंटर करेंगे, जिस फर्स्ट पॉइंट में स्ट्रेस करना है यहाँ पे आप पॉइंट स्ट्रेस करोगे, फिर यहाँ फिर उतार दो, ठीक है ना, तो ऐसे स्ट्रेस करना है, मूव करना है तो मूव हो जाएगा, हाइट देना है हाइट दे सकते हो आप, कम करना है ज़्यादा करना है, ठीक है ना, तो ऐसे आप स्ट्रेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, बस बस काम आता है स्ट्रेस करने का, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिट, ये क्या करता है, एक्सपर में फिट करता है, मान लो ये फैक्टर में इसको फिट करने के लिए फिट करके यूज करते हैं, और नेक्स्ट थिंग ज्योमेट्री में हम किसी को पोजीशनिंग करते हैं, जैसे आप किसी के लेजर, मान लो लेजर फाइल बना रहे हो, लेजर कटिंग में कोई फाइल बना रहे हो, है ना, तो अभी जैसे आपका शीट है 100x100 का, आपको लगाना है 10x10 का पास ग्रुप, पास मतलब मुझे एंटिटी चाहिए,
जैसे ये मेरा 100 बाय 100 का चीज है सपोज, ठीक है सपोज कर लो, तो यहाँ पे मुझे जैसे पास पास का 10 काटना है, तो आप कैसे कर रहे हो, यहाँ पे पास काट दे रहे हो, 20 में से काट दे रहे हो, 20 में से काट दे, तो आपका तो सीध जो वेस्ट में चला गया। तो हम नेस्टिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा सिस्टमेटिक होगा, यहाँ पे पास काटेंगे, फिर यहाँ पे पास काटेंगे, दोनों के बीच में गेप जो है 5 mm का आएंगे, 10 mm आप ले लोगे मैनुअली, तो इसमें सिस्टमेटिक आएंगे कि आपको फालतू का मेटल नहीं करेंगे। अगर मान लो पास पास का काट रहे हो तो आप इतने में खत्म हो रहा है, बीच में जितना आप थोड़े थोड़ा गैप लोगे तो इतने में खत्म होगा, आपकी फालतू में वेस्ट नहीं जाएंगे, नेस्टिंग फाइल में आ जाती है वो, ठीक है ना, तो नेस्टिंग फाइल में वो चीजें आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें जरूरत नहीं पड़ता हम लोग की, तो जो है इतना ही था आज का, ठीक है। तो ये आपकी ऑलमोस्ट क्लियर हो गए, सॉलिड भी हो गई, हम लोग की खेत भी पूरा करने खत्म कर जा रही हूँ। नेक्स्ट आएंगे हम लोग की मशीन टूल, हम आएंगे मिलिंग के ऊपर, ठीक है। तो